भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगाने की इतनी जल्दी तो अंग्रेजों को भी नहीं थी जितनी कि गांधी और नेहरू को थी, क्योंकि भगत सिंह तेजी से भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे, जो कि गांधी और नेहरू को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। यही कारण था कि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द भगत सिंह को फांसी दे दी जाए। ये बात स्वयं अरविंद ने कही थी। इसके अतिरिक्त लाहौर जेल के जेलर ने स्वयं गांधी को पत्र लिखकर पूछा था कि इन लड़कों को फांसी देने से देश का माहौल तो नहीं बिगड़ेगा। तब गांधी ने उस पत्र का लिखित जवाब दिया था कि आप अपना काम करें, कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर कपिल कुमार की किताब के अनुसार गांधी और लॉर्ड अरविंद के बीच जब समझौता हुआ, उस समय अरविंद इतना आश्चर्य में था कि गांधी और नेहरू में से किसी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़ाने के बारे में चर्चा तक नहीं की। अरविंद ने अपने दोस्तों से कहा कि हम ये मानकर चल रहे थे कि गांधी और नेहरू भगत सिंह की रिहाई के लिए अड़ जाएंगे और हम उनकी ये बात मान लेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 14 फरवरी 1931 को लॉर्ड अरविंद के सामने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने के लिए मर्सी पिटीशन दायर की थी ताकि उन्हें फांसी न दी जाए और कुछ सजा भी कम की जाए। लॉर्ड अरविंद ने तब मालवीय जी से कहा कि आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको इस पिटीशन के साथ नेहरू, गांधी और कांग्रेस के कम से कम 20 अन्य सदस्यों के पत्र भी लाने होंगे। जब मालवीय जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के बारे में नेहरू और गांधी से बात की तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली और अपनी सहमति नहीं दी। इसके अतिरिक्त गांधी और नेहरू की असहमति के कारण ही कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अपनी सहमति नहीं दी। रिटायर होने के बाद लॉर्ड अरविंद ने स्वयं लंदन में कहा था कि यदि नेहरू और गांधी एक बार भी भगत सिंह की फांसी रुकवाने की अपील करते तो हम निश्चित ही उनकी फांसी रद्द कर देते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गांधी और नेहरू को इस बात की हमसे भी ज्यादा जल्दी थी कि भगत सिंह को फांसी दी जाए।